ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಇದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। उर्दू शायरी की आबोताब, रंग रौनक, शीरीन व खलावत, अबनाइत मोहब्बत का जज्बा, भाईचारगी का मिलान, मोहब्बत व मुरव्वत के एहसास से अहल उर्दू तो वाकिफ है ही, साथ साथ गैर भी इसे मानों से हैं। उर्दू गज़ल उर्दू शायरी की तुर्रे इम्तियाज रही है, ये उर्दू शायरी की आबरू है। हमारे खदमा व मुताहरीन ने इसके गेसु सवारे। आज की ये महफिल उन मुहिब्बान बासफ़ा को याद करने और उनकी खिदमत में खराज अकीदत पेश करने के लिए। इस महफिल की सदारत का सहरा जाता है मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह, एडिटर ज़ीरीन शुआएं, और मेहमान खसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर नज़ीर अहमद ख़ान लोहानी, प्रिंसिपल बीईटी सआदतुन्निसा डिग्री कॉलेज, और प्रोफेसर हशमतुन्निसा साहिबा, उर्दू बीईटी कॉलेज। मीर की खिदमत उर्दू गज़ल के नाम को रोशन करने में रोशन रही हैं। आपकी गज़लें दर्द असर से पुर, ज़माने की फितना समानियों से लिबरेज थीं। मीर की गज़लों से ये एहसास होता है कि इनके यहाँ अगर फूल खिलते थे तो इसलिए कि मुरझा जाएं। इनके शेर तीर की तरह दिल में उतर जाते हैं। आइए इस मौके पर इनकी एक गज़ल समात फरमाएँ। नाजरीन मतलब पेशे खिदमत है, समात फरमाएं। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, उसके जो नूर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, उसके जो नूर था। खुर्शीद में भी उसका ही ज़रा ज़हूर था, ज़रा ज़हूर था। पहुँचा जो आपको तुम्हें पहुँचा खुदा के दे, पहुँचा जो आपको तुम्हें पहुँचा खुदा के दे, पहुँचा खुदा के दे, पहुँचा खुदा के दे। मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था, बहुत मैं भी दूर था। मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था, बहुत मैं भी दूर था। आतिश बुलंद दिल की न थी बनाए कलीम, आतिश बुलंद दिल की न थी बनाए कलीम, वरनाए कलीम, वरनाए कलीम। क्या शम्मा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था, हर एक बेहुजूर था। क्या शम्मा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था, हर एक बेहुजूर था। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसे पर, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसे पर, लेकिन ऐसे पर, लेकिन ऐसे पर। इस शूख को भी राह पे लाना ज़रूर था, लाना ज़रूर था। इस शूख को भी राह पे लाना ज़रूर था, लाना ज़रूर था। कल पाओ एक कासा सर पर जो आ गया, एक सर्व इस
कान शिकस्तों से चूर था, शिकस्तों से चूर था, यक से वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था, शिकस्तों से चूर था। गालिब का पूरा नाम ख्वाजा असदुल्ला खान था। गालिब ने आगरा ही में उर्दू शायरी शुरू कर दी थी। इस शायरी में फारसी का असर गालिब था। दिल्ली पहुंचने के बाद गालिब की शायरी में तनाव का एहसास होने लगा। गालिब की शायरी में दर्द व असर, मोहब्बत और ज़माने की फितनाइयों के बारे में सब कुछ मिलेगा। अगर किसी को ज़िंदगी की गहराइयों के बारे में जानना है तो उसे गालिब की गज़लों में बहुत कुछ मिलेगा। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, मैं भी मुँह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुँह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, जब के तुझे बिन नहीं कोई मौजूद, जब के तुझे बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे है, ये परी चेहरा लोग कैसे है, गमजा वो ईश्व वो अदा क्या है, गमजा वो ईश्व वो अदा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिल नादा तुझे
जान तुम पे निसार करते हैं, जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। जिगर मुराद आबादी, इनका शुमार उनके दौर के मकबूल शोरा में होता है। इनका नाम अली सिकंदर था। इब्तिदा में वो नज़में लिखा करते थे, लेकिन इनकी असली पहचान गज़लों से है। इनकी शायरी का वही हिस्सा ज़्यादा उम्दा है जिसमें रुमानियत में डूबे हुए एहसासात और जज्बात आश्कार हुए हैं। इनका एक शेर खिदमत में अर्ज़ है। आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, आके तुझ बिन ऐ दोस्त इस तरह घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। आइए इनकी एक गजल समाप्त फरमाएं। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटी तो दिले आशिक पहले तो जमाना है, सिमटी तो दिले आशिक पहले तो जमाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई जीने को जमाना है, रोने को नहीं कोई जीने को जमाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, शायर हूँ मैं शायर हूँ मेरा ही जमाना है, शायर हूँ मैं शायर हूँ मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना कुदरत मेरा शाना है, फितरत मेरा आईना कुदरत मेरा शाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, क्या हुस्न ने समझा है क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने समझा है क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, आँखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, आँखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे हैं, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है, कल उनका जमाना था आज अपना जमाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, ये इश्क नहीं आसा
इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, आशिकों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में, आशिकों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में, मासूम मोहब्बत का मासूम सा फसाना है, मासूम मोहब्बत का मासूम सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। उश्मली आबादी, कौम परस्ती, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हुबे वतन, जमहूरियत, अमन आज़ादी ख्याल के पुजारी थे। इस पर इन्होंने नज़में भी लिखीं और गज़लों में भी वहाँ वहाँ रंग नज़र आता है। जोश के तकरीबन 15 मजमूए कलाम शाये हो चुके हैं। जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है। आइए इस मौके पर इनकी एक गज़ल समात फरमाएं। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश मकशे दहर से आजाद किया, जा तुझे कश मकशे दहर से आजाद किया, वो करे भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा, वो करे भी तो किन अल्फाज में तेरा शिकवा, जिनको तेरी निगाह लुत्फ ने बर्बाद किया, जिनको तेरी निगाह लुत्फ ने बर्बाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर द हवा मैंने तुझे याद किया, जब चली सर द हवा मैंने तुझे याद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, इस करोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इस करोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है के बहुत देर में बर्बाद किया, इसका गम है के बहुत देर में बर्बाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया।
कली जब चटकी इतना मानुस हूँ फितरत से, कली जब चटकी झुक के मैंने कहा क्या मुझसे कुछ इरशाद किया, झुक के मैंने कहा क्या मुझसे कुछ इरशाद किया, सूज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, मुझको तो होश नहीं तुम को खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया, सोज़े गम देखे मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश मकशे दहर से आज़ाद किया। मुईन अहसन जज़्बी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायरों में से एक हैं, लेकिन जज़्बी के कलाम की कदर व कीमत सिर्फ तरक्की पसंदी के तनाजर में तय नहीं की जा सकती। इन्होंने गजल की रिवायत से वाबस्ता रखते हुए इसको सियासी मौजूआत का इजहार का जरिया बनाया। इनके बीशतर अशार ज़र्बुल मिस्ल का दर्जा हासिल कर चुके हैं। इनके कलाम का रंग देखिए, यही जिंदगी मुसीबत यही जिंदगी मुसरत, यही जिंदगी मुसीबत यही जिंदगी मुसरत, यही जिंदगी हकीकत यही जिंदगी फसाना। चलिए इनकी एक गजल समाप्त फरमाएं। गजल के तमाम शेर गौर से समाप्त फरमाइएगा, मतलब पेशे खिदमत है। बीते हुए दिनों की, बीते हुए दिनों की हिलावत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की हलावत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की हलावत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की हलावत कहाँ से लाए, एक मीठे मीठे दर्द की, एक मीठे मीठे दर्द की राहत कहाँ से लाए, एक मीठे मीठे दर्द की ढूंढे कहाँ हम नालाए, शबे ताब का जमाल ढूंढे कहाँ हम नालाए, शबे ताब का जमाल आहे सहर गही की, आहे सहर गही की सबाहत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की समझाए कैसे दिल की नजाकत कमाजरा, समझाए कैसे दिल की नजाकत कमाजरा, खामोशी नजर की, खामोशी नजर
की खताबत कहाँ से लाए, ये खामोशी नजर की अफसुर्दगी, ये जब्ते अलम आज भी सही, अफसुर्दगी ये जब्ते अलम आज भी सही, लेकिन नशाते जब्ते, लेकिन नशाते जब्ते, मुसर्रत कहाँ से लाए, लेकिन नशाते जब्ते, मुसर्रत कहाँ से लाए, आसूदगी लुत्फो इनायत के साथ साथ, आसूदगी लुत्फो इनायत के साथ साथ, दिल में दबी दबी सी, दिल में दबी दबी सी खयामत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की, आखिरी शेर गौर तलब हो, वो जो शेज तिराब में कुछ सोचने के बाद, वो जो शेज तिराब में कुछ सोचने के बाद, हैरत कहाँ से लाए, हैरत कहाँ से लाए, निदामत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की हलावत कहाँ से लाए, बीते हुए दिनों की। जानिसार अख्तर अगरचे तरक्की पसंद शायर थे, लेकिन जमाल परस्ती उनके कलाम में गालिब उनसर की हैसियत रखती है। असरी हिस्सियत, मानवियत, मौजू, असलूब व फ़िक्र वग़ैरह इनके मजमूए पिछले पहर में नज़र आती है। अख्तर की शायरी नए जहानों का पता देती है। इनका शेर देखिए, हर एक शख्स परेशान दर बदर सा लगे, हर एक शख्स परेशान दर बदर सा लगे, ये शहर मुझको तो यारो कोई भंवर सा लगे। आइए इस मौके पर उनकी गज़ल समात फरमाएं। आदाब, जानिसार अख्तर की गज़ल पेश खिदमत है। हर एक रूह में एक गम छुपा लगे हैं मुझे, हर एक रूह में एक गम छुपा लगे हैं मुझे, ये ज़िंदगी तो कोई बददुआ लगे है मुझे, ये ज़िंदगी तो कोई बददुआ लगे है मुझे। ये शेर देखिए, तवज्जो चाहती हूँ। पसंद खातिर अहले वफा है मुद्दत से, पसंद खातिर अहले वफा है मुद्दत से, ये दिल का दाग जो खुद भी भला लगे है मुझे, ये दिल का दाग जो खुद भी भला लगे है मुझे। ये शेर बतौर ख़ास पेश खिदमत है, समाज फरमाइएगा। जो आंसुओं में कभी रात भीग जाती है, जो आंसुओं में कभी रात भीग जाती है, बहुत खरीब व आवाज़ पा लगे हैं मुझे, बहुत खरीब व आवाज़ पा लगे हैं मुझे। मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आंखों में, मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आंखों में, तमाम रात कोई झांकता लगे हैं मुझे, तमाम रात कोई झांकता लगे हैं मुझे। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सजाता हूँ, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सजाता हूँ,
ओ खुद भी बात करे तो बुरा लगे हैं मुझे, ओ खुद भी बात करे तो बुरा लगे हैं मुझे। ये ख्याल देखिएगा, पसंद आ जाए तो पसंदीदगी को जाहिर कर देना। न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है, न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है, कभी कभी तो मुझे बड़ा खौफ सा लगे हैं मुझे, कभी कभी तो बड़ा खौफ सा लगे हैं मुझे। आखिरी शेर पे पहुंची हूँ, समाप्त फरमाइएगा। तवज्जा चाहती हूँ खास तौर से। बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद, बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद, हर एक फर्द कोई सानहा सा लगे हैं मुझे, हर एक फर्द कोई सानहा सा लगे हैं मुझे, हर एक रूह में एक गम छुपा हुआ लगे हैं मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे हैं मुझे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक दिल्ली में पैदा हुए। आप कसीदे के लिए बहुत मशहूर हैं। इनकी गज़लें भी ज़बान, मुहावीरा और लफ्ज़ी शान व शौकत की वजह से काफ़ी मकबूल हैं। इनके कलाम में गहरी मानवियत वहाँ वहाँ नज़र आती है। उनकी शायरी का रंग देखिए, बनाया आदमी को ज़ौक एक जुज़्वे ज़ईफ़, बनाया आदमी को ज़ौक एक जुज़्वे ज़ईफ़, और उस ज़ईफ़ से कुल काम दो जहाँ के लिए। आइए इस मौके पर उनकी गज़ल सुने। माह में कहाँ जो ताबे रुख सीम तन में है, माह में कहाँ जो ताबे रुख सीम तन में है, परदा सन कबूत का चरखे कुहन में है, परदा सन कबूत का चरखे कुहन में है, वो दिल किला न सकता था चीने जबी किता, वो दिल किला न सकता था चीने जबी किता, जीरे शिकंज जुल्फे शिकंदो शिकन में है, जेरे शिकंज जुल्फे शिकंदो शिकन में है, माह में कहाँ जो ताबे रुख सीम तन में है, परदा सन कबूत का चरखे कुहन में है, हरफाए मुझ पे देखी किस किस के नाम का, हरफाए मुझ पे देखी किस किस के नाम का, इस दर्द से अखीख का दिल खूनी यमन में है, इस दर्द से अखीख का दिल खूनी यमन में है, माह में कहाँ जो ताबे रुख सीम तन में है, परदा सन कबूत का चरखे कुहन में है, याद आए हैं जो आबे दमे तेग का मजा, याद आए हैं जो आबे दमे तेग का मजा, भर आता
पानी दहन में है, भर आता मेरे जख्म के पानी दहन में है। महमी कहा जताबे रुखे सीम तन में है, परदासन कबूत का चरखे कुहन में है। अजीज कैसी का मुकम्मल नाम अजीज मोहम्मद खान है। आप हैदराबाद में पैदा हुए। उनके कलाम के दो मजमुए हैं, आईना दर आईना और गर्दबाद, जो शाये हो चुके हैं। कैसी की शायरी में दर्द का एहसास, फिक्र की जोलानी नजर आती है। उनकी शायरी का रंग देखिए। मिटा के अंजुमन आरजू सदा दी है, मिटा के अंजुमन आरजू सदा दी है, चले भी आओ के हर रोशनी बुझा दी है। आइए इस मौके पर उनकी गजल समाअत फरमाएं। मतलब पेशे खिदमत है, समाअत फरमाएं। आह बे असर निकली नाला नरीसा निकला, आह बे असर निकली नाला नरीसा निकला, एक खुदा पे तकिया था वो भी आपका निकला। एक खुदा पे तकिया था वो भी आपका निकला। ये शेर सुनिए। अहले खैर डूबे थे नेकियों की मस्ती में, अहले खैर डूबे थे नेकियों की मस्ती में, जो खराबे सहबा था बस वो पारसा निकला। जो खराबे सहबा था बस वो पारसा निकला। इस शेर पर तवज्जो चाहती हूँ। खिज्र जानकर हमने जिससे राह पूछी थी, खिज्र जानकर हमने जिससे राह पूछी थी, आकर बीच जंगल में क्या बताएं क्या निकला। आकर बीच जंगल में क्या बताएं क्या निकला। गिर गया अंधेरे में तेरे महर का सूरज, गिर गया अंधेरे में तेरे महर।